जिंदगी चलती जाती है दोस्तों। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी सिचुएशन में डाल देती है जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा होता। हम सोचते कुछ और हैं और हमारे साथ होता कुछ और है। पर एक साहसी व्यक्ति हर परिस्थिति से गुजरते हुए हर दुविधा को पार कर अपनी मंजिल को पा ही लेता है। ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में हम आज बात करने वाले हैं जिनका नाम है जूलियो इगेल्सियस। जब जूलियो 10 साल का था तो उसका बस एक ही सपना था, अपने फेवरेट क्लब रियल मैड्रिड की ओर से फुटबॉल खेलना। वो दिन भर खेलता, प्रैक्टिस करता और धीरे धीरे वो एक बहुत अच्छा गोलकीपर बन गया। 20 साल का होते होते उसके बचपन का सपना हकीकत बनने के करीब पहुंच गया। उसे रियल मैड्रिड की तरफ से फुटबॉल खेलने के लिए साइन कर लिया गया। खेल के धुरंधर जूलियो से बहुत प्रभावित थे और ये मानकर चल रहे थे कि वो बहुत जल्द स्पेन का नंबर एक गोलकीपर बन जाएगा। 1963 की एक शाम जूलियो और उसके दोस्त कार से कहीं घूमने निकले, पर दुर्भाग्यवश उस कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और रियल मैड्रिड और स्पेन का नंबर एक गोलकीपर बनने वाला जूलियो हॉस्पिटल में पहुंच गया। उसके कमर के नीचे का हिस्सा पैरालाइज्ड हो चुका था। डॉक्टर इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं थे कि जूलियो फिर कभी चल पाएगा। फुटबॉल खेलना तो बहुत दूर की बात थी। वापस ठीक होना बहुत लंबा और दर्दनाक अनुभव था। जूलियो बिल्कुल निराश हो चुका था। वो बार बार उस घटना को याद करता और क्रोध और मायूसी से भर जाता। अपना दर्द कम करने के लिए वो रात में गाने और कविताएं लिखने लगा। धीरे धीरे उसने गिटार पर भी अपना हाथ आजमाना शुरू कर दिया और उसे बजाते हुए अपने लिखे गाने भी गाने लगा। 18 महीने तक बिस्तर पर रहने के बाद जूलियो अपनी जिंदगी फिर से सामान्य बनाने लगा। एक्सीडेंट के 5 साल बाद उसने एक सिंगिंग कंपटीशन में भाग लिया और लाइफ गोज ऑन द सेम गाना गाकर फर्स्ट प्राइज जीता। वो फिर कभी फुटबॉल नहीं खेल पाया, पर अपने हाथों में गिटार और होठों पे गाने लिए जूलियो इगेल्सियस संगीत की दुनिया में टॉप 10 सिंगर्स में शुमार हो गया और अब तक उनके 30 करोड़ से अधिक एल्बम बिक चुके हैं। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अगर मन में हौसला हो और कुछ पाने और कर दिखाने का जुनून हो तो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, हम अपनी किस्मत को खुद लिख सकते हैं और वो सब अचीव कर सकते हैं जो हम अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों, मंजिलें उन्हीं के कदम चूमती है जो कांटों भरी राह में चलने का हुनर जानते हैं।